नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सैद नगली में पूर्व माध्यमिक संविलियन विद्यालय सैद नगली द्वितीय के अध्यापकों द्वारा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी बच्चों ने शिक्षा प्रद नाटक व देशभक्ति गीत गाए। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि जूनियर शिक्षक संघ के जिला महामंत्री अशफाक हुसैन, ब्लॉक महामंत्री पुनीत गुप्ता, विद्यालय प्रधानाध्यापक नरेश कुमार ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों का उत्साह बढ़ता है और इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यालय में नामांकन भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल उन्हें निखारने की आवश्यकता है। विद्यालय में इस प्रकार के प्रोग्रामों से बच्चों की प्रतिभा भी चमकती है। वहीं अवसर पर कमल सिंह अध्यापक, शैलेश खालिदारा पर प्रधान अध्यापिका, वर्तिका गुप्ता, प्रवेश चौधरी, सीमा चौधरी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। सरकार ने इसी वर्ष हमारे परिषद के विद्यालयों में शुरू करे हैं और इन वार्षिक उत्सव से विद्यालय के बच्चों को काफी लाभ मिला है, उनका उत्साह बढ़ रहा है। सारे स्कूलों में ये वार्षिक उत्सव चल रहे हैं। फरवरी में पूरी फरवरी हुई चलते चलते और बड़े अच्छे ढंग से हमारे अध्यापकों ने इनको वार्षिक उत्सव की तैयारी की है और बड़ा अच्छा सजाया है इनको। इसमें बच्चों का स्वच्छता का विकास होता है और बच्चों की गुणवत्ता भी, शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार भी इसके द्वारा होता है। बच्चे बड़े उत्साह के साथ इसकी तैयारी करते हैं, जिससे शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी इसका सुधार होता है और बच्चों को हमारे साक्षात्कार को इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वास्तव? इसमें जो है बच्चों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बच्चों को उनके जो टॉपिक दिए जाते हैं टॉपिकों पर प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, जैसे कविता का प्रोग्राम है या नाटक का प्रोग्राम है, जिससे और दूसरी जगह और आगे बड़े होकर के मंचों पर बोलने के लिए उनका हौसला बढ़ता है। तो इससे काफ़ी अच्छा लगा कि उत्सव के द्वारा जो वार्षिक उत्सव हो रहे हैं इनके द्वारा काफ़ी शिक्षा में सुधार है। कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। बहुत बढ़िया, ताली बजाएं सब बच्चे। करोड़ी मल के लड़का हो गया डिप्टी, बड़े खुश थे करोड़ी मल के लड़का हो गया डिप्टी, बहुत झुंझला है जब ये सुना रिश्वत नहीं मिलती, कहा झुंझला के थे अभी त्याग पर अपना, ऐसी बांध सर्विस से राशन की दुकान। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर हुसैन की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए केकेडी न्यूज।